खाना खा के फिर हम लोग जाएंगे, तैयार होंगे और उसके बाद जो है फिर बारात निकलेगी, उसके बाद जो सभी दोस्त वहीं से निकल लेंगे। इधर देख सकते हैं पतिदेव का फाइनल लुक, बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर दुल्ही राधा के आने से पहले हम लोग पहुँच गए हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज है रविवार और माँ का जो है आज है व्रत, तो हम चल रहे हैं मार्केट और मार्केट से जो है कुछ उठा करके ले आते हैं, फल लाना है, मिठाई लाना है और साथ ही जो है आज अपने एक भाई की शादी भी है तो उसको भी अटेंड करना है। तो अभी बज रहे हैं 12 और 4 बजे जो है बारात निकल जाएगी, लेकिन 2 बजे तक जो है पहुंच जाना है उसके यहाँ, क्योंकि 2 बजे जो है भोजन पानी का व्यवस्था है, तो वहाँ हम लोग भोजन करेंगे और फिर वहीं से निकलेंगे हम लोग। तो फिलहाल तो अभी चल रहे हैं मार्केट जाकर के सामान ले आते हैं। कैसे सेब? 1.5 किलो दे दिए ये, 1.5 किलो दे दीजिए। और केला कैसे है? केला 30 टका दर्जन। ये दर्जन ये भी कर दीजिए। कांका दीजिए, कांका साहब एकदम कोई खराब नहीं निकला। अमरूद कैसे है? अमरूद 1 रुपया किलो। तो ठीक है, 1 किलो दे दे। 300 ग्राम कितना दाग है? 110, 130, 140। बेदाना? अच्छा है, एक तो दिखाते दीजिएगा एक हाथ में। ठीक है चलिए दे। कैसे है? 160 रुपए किलो। ए, बड़ा महंगा रेट है आपका। 1 किलो कुछ कम करिएगा, ले लेंगे तब। 150 दीजिए। शरीफा पे लेंगे मीठा पूरा? नहीं, हो गया बस, ना जरूरत होगा उतनी लेंगे। हाँ भैया, लगभग जितना फल लेना था जी सारा फल तो ले लिया, ज्यादा कुछ अवेलेबल है नहीं, देख रहे हैं कि ज्यादा फल वाले यहाँ पर है नहीं, तो जितना मिला जी ले लिया। उम्मीद करते हैं लगभग सब कुछ ले ही लिया है और चलते हैं अब। और कुछ मिठाई भी लेना था माँ के लिए, तब जाके मिठाई खरीदते हैं। लड्डू चाहिए था, ये पाव भर दे दीजिए। लड्डू क्या है? कैमरा है, रिकॉर्ड हो रहा है अभी जो बोल रहा है। अच्छा बताइए, नामों भूल गए चैनल का। गजब बेइज्जती। ये देखिए, सबका वीडियो देखेंगे ना हम लोग का डाले हैं। हम लोग को ब्लॉगर मिलेगा नहीं, वो अंदर खोल खोल के देखना पड़ेगा, ऊपर से पता नहीं चलेगा। कोई भी आप पर्व वाला सब देख लीजिएगा, दिवाली या कोई वाला सब आप ही के यहाँ से ले जाते हैं तो उसमें शायद मिल जाएगा आपका। ये काजू कतली कैसे है? 800 रुपया किलो। ये भी पाव भर कर दीजिए। देखना हाँ, बड़ा बढ़ा के थोड़ा बताइए कितना। एक पाव लड्डू और ये कितना? 245। हाँ लीजिए। मिठाई हो गया जी लेना और अब जो है सीधा चलते हैं जाकर के, स्नान भी करना है, अभी तक स्नान भी नहीं किए हैं, और स्नान करके सीधा निकलेंगे अपने दोस्त की तरफ। तो हमारा दोस्त शिवम आ गया है जी, तो चलते हैं अपने दोस्त के यहाँ। क्या बोलना चाह रही थी? मैं तो यही बोलना चाहती कि मैं बचपन से जैसे अपने बेटा की तरह तुम इन लोगों को देखा है, एक ही उम्र है, सब वयस्क की है, और बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं वर्तमान में भी देख रही हूँ। चलो, प्रार्थना है कि हर समय तुम लोग को देखते रहे। और शिवम जो है, और शिवम जो है मेरे बेटा को देख लिया, फर्स्ट टाइम देख रहा है। शिवम के बेटा को तुम देखेगा, वो दिन दूर नहीं है, दया होगी तो सब होते रहेगा। तो आ गए हैं जी अपने दोस्त के यहाँ और यहाँ पर हमारा लगा हुआ है, तो पहले यहाँ खाना खा लेते हैं, खाना खा के फिर हम लोग जाएंगे, तैयार होंगे और उसके बाद जो है फिर बारात निकलेगी, तो उसके बाद जो सभी दोस्त वहीं से निकल लेंगे। अच्छा, बंगाली का सरसों माछ पहली बार खाए लाइफ में। बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है मछली है, ऐसा लग रहा है बेसन का सब्जी या कुछ इस तरह से। 1 आवर लेटर सभी लोग शादी में जाने के लिए लगभग तैयार है। हम लोग आ गए थे यहाँ फील्ड और यहाँ देखिए कैसा व्यू है। तो आज पतिदेव के एक फ्रेंड की शादी है और इधर जो है देख सकते हैं तो हम रेडी शेडी हो रहे हैं। पहले से डिसाइड था ये कपड़ा पहनना है, ये पहनना है, जैसे लड़कियां कंफ्यूज नहीं करती ये पहनूं या ना पहनूं, ये पहनूं या ना पहनूं, उससे ज्यादा मेरे पतिदेव करते हैं ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये पहनूं या नहीं पहनूं, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब परेशान कर देते हैं ये हमको हर हमेशा। बिल्कुल, क्योंकि वैसे जो भी नॉर्मल शादी होता है उसमें कुछ भी पहन के चले जाते हैं, लेकिन ये अपने दोस्त की है और साथ में दोस्त के जो भी सर्कल के हैं वो सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सभी लोग पूछ रहे थे क्या पहने नहीं पहने, सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। तो मुझे तो पहले क्या लगता था पता है कि सारी लड़कियाँ जो होती है सिर्फ वो डिस्कस करती है कि ये पहनना है ये पहनना है ये पहनना है, लेकिन अब भी पता चला मुझे कि लड़की लोग भी डिस्कस करते हैं ये पहनना है ये नहीं पहनना है। ऐसे हमेशा ये मुझे ताना देते थे कि तुम कितना कंफ्यूज करती हो क्या पहने क्या नहीं पहने, अब खुद का क्या हाल होता है वो तो अभी आप लोगों ने देखा ही।
और इधर पतिदेव रेडी हो रहे हैं और हमारे रूम का हाल देख सकते हैं। ये जब रेडी होते हैं ना तो मेरा पूरा रूम कचरा बना के जाते हैं एकदम से। ऐसा नहीं है कि हम पहले से सारा इनका सब कुछ निकाल के देते, फिर भी डिसाइड करने में इधर से उधर उधर से उधर करके सारा सामान का सत्यानाश कर देते हैं। तो इधर देख सकते हैं पतिदेव का फाइनल लुक, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। और बहुत दिनों बाद तैयार हुए हैं अपने भाई की शादी के बाद। तो जी हम हो गए हैं तैयार और अब इंतजार कर रहे हैं जिया से मोबाइल का, जिस मोबाइल से अभी शूट हो रहा है इस मोबाइल को लेंगे और चलते हैं। सारे दोस्त सब भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और बारात निकलने वाली ही होगी। 20 बार आईने में देखेंगे ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं ठीक जी। यह हम जो यह इंश्योर कर रहे हैं कि हम जो है जोकर लग रहे हैं या कैसा लग रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से तैयार हुए हैं, जोकर नहीं लगना चाहिए। जोकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। हम लोग जी तैयार होकर के आ गए हैं अपने दोस्त के यहाँ और सभी लोग बस अब तैयारी कर रहे हैं यहाँ से निकलने। दूल्हे राजा की गाड़ी भी आ चुकी है, बस अब सभी में जो है यहाँ पर स्टिकर चिपकना है। तो जी यहाँ पर सभी लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और हम लोग निकल रहे हैं और दूल्हे राजा जो है थोड़ा आराम से आ रहे हैं, हम लोग थोड़ा पहले ही निकल गए हैं। पहुँच गए जी विवाह भवन के पास और यहाँ पर दूल्हे राजा के आने से पहले हम ही लोग पहुँच गए हैं। तो दूल्हे राजा के आने का इंतजार है, उसके बाद देखेंगे आगे क्या है। हम लोग आए हुए थे जी यहाँ पर चाय पीने के लिए और वहाँ जो आप वायर देख रहे हैं उसी वायर को हम लोग देख रहे थे उस समय, तो एक समय लगा कि शायद पटाखा जल रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि वायर जो है गिरने लग गया। भाई साहब एक समय जो यहाँ भीड़ थी पूछिए मत, और जैसे ही वो वायर गिरा सब भागे दौड़ के अपना जान बचा के, तो कुछ ऐसी हालत थी इधर। लेकिन सूरज का जो है दृढ़ निश्चय चाय पी के ही जाएगा यहाँ से, बहुत भूख लगा है। सारे लोग यहाँ से खाली कर दिए एकदम। हम लोग जी आ गए हैं मैरिज हॉल के अंदर, इंतजार कर रहे हैं रिसेप्शन के आने का और फिलहाल यहाँ पर जो माहौल देख रहे हैं हम लोग का जो भी ट्रेडिशन है उसे थोड़ा अलग ही है। हमको तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, ज्यादा ताम झाम नहीं है, सीधे पॉइंट पर आ जाता है मामला यहाँ पर। आगे जो आप देख रहे हैं वो लड़की वाली साइड से है, तो दूल्हे महाराज जो है आ चुके हैं, दूल्हे राजा उधर बैठे हुए हैं। दूल्हे राजा से मिल लिया ना? हाँ दूल्हे राजा बहुत खुश है, बता दिए उसको कोई दिक्कत किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो याद करेगा। तो सूरज अवेलेबल है नहीं टाइम के बाद जो है वहाँ पर थोड़ा सा फोटो सेशन हो गया। चिकन चाप लेते तुम चाहो तो पनीर ही चाप लेंगे। मेरे लिए ध्यान से पनीर उठा लेना है। पनीर में डंडी नहीं लगा हुआ था, पनीर में डंडा नहीं था, ज्यादा टेस्टी लग रहा है। वाह अरे मेरा चॉइस ही अलग है। उसे तुम्हारा जूता जो है ना जहाँ रखा जा रहा था शिवम देख रहा था कहाँ रखा जा रहा है पता चला नहीं, वो हाथ में नहीं घूम रहा, हाथ में आदमी लेते तो नहीं मालूम चल पाए। हम लोग हेल्प करते तुम्हारी, हमारे दूल्हे राजा को आराम से बैठने देते हैं। दो तो जी अभी सारे दोस्त लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन लोग का जो भी ट्रेडिशन है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जितना समझ में आएगा वो आपको बताते जाएंगे, क्योंकि हमारा जो भी ट्रेडिशन है शादी का जो भी रीति रिवाज है जो भी रस्म है उससे बिल्कुल अलग है। फिलहाल अभी ऋषभ का जो है फोटो सेशन चल रहा है, थोड़ा सा हिचकिचा जरूर रहा है लेकिन फोटो सेशन करवा रहा है। हम और मेरा एक दोस्त आयुष जो है वो लोग ऊपर आए थे जायजा लेने के लिए कि ऊपर में क्या खाने का माहौल सब है, ऊपर देखे कि हाँ खाना सब सब कुछ चल रहा है। फिर फोन लगा रही थी इन लोग को कि ये लोग भी आ जाए ऊपर, लेकिन ऊपर आकर के देखते हैं कि सभी लोग आए हुए हैं पहले से। ऋषभ का चप्पल यहाँ नहीं मिल जाएगा, अरे कुछ मोमोज मेरे लिए भी ले लो यार। अभी शुरुआत हुआ स्टार्टर से, क्या कह रहे हैं अभी जलेबी और मणिकांत तुम्हारा डोसा खत्म खत्म हो गया। हम लोग जी अपनी पेट पूजा कर ही रहे थे कि बीच में अचानक से एक कॉल आया और बताया गया कि ऋषभ के पास हम लोगों को जाना थोड़ा जरूरी है। एक रसम है और बहुत ही प्यारा सा रसम है जैसा कि अभी तक सुनने में मिला है, बाकी आप लोग देखेंगे हम भी देखेंगे साथ साथ कैसा होता है वह रसम। ऋषभ मंडप पर जाने के लिए तैयार हो रहा है ना। वॉशरूम जाना है। अच्छा तो लड़की इसको लेके उसको पकड़ के बैठे उसको। तो दूल्हे राजा चले मंडप की तरफ, दूल्हे महाराज जा रहे हैं इस पीढ़ा पर। सिर को ऊपर कर, सिर को ऊपर कर, सिर को ऊपर कर, सिर ऊपर करो।
जैसे पहना जाएगा अब आराम से वर्मा लाओ तो बेचारा डर गया जल्दी ऋषभ कर रहा है जो हुआ काम खत्म करो हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर वरमाला का कार्यक्रम तो हो गया जी और काफी मजा आया आपने वह रसम देखा और ऋषभ जानमुझ की हारा है ये बता ऋषभ यहाँ मैच फिक्स कर रहे हैं आगे देखेंगे हम लोग का रसम क्या है बिल्कुल देखते हैं अभी का जो रसम था मजा आया देखते हैं बहुत मजेदार था हालांकि ऋषभ मैच फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा हो गया जी फोटो सेशन और भी कुछ रसम सब बचा हुआ है सब खत्म है ठीक है चलो एंजॉय करो ठीक है हम लोग तो यहाँ हो गया जी हमारा फोटो सेशन उसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं क्योंकि रात भी काफी हो चुकी है और इसके बाद जो है शायद बस एक ही दो रसम है शायद सिंदूर दान या कुछ रह गया है आइसक्रीम भी बच गया है आइसक्रीम भी बच गया है वो रसम भी बाकी है तो चलो वो रसम पूरा कर लो। तो हम लोग जी अब इधर से निकल रहे हैं और निकलने से पहले सोच रहे हैं थोड़ा सा एक बार मीठा पान हो जाए ये वाला सुपारी वाला है तो सुपारी खाता है सुपारी तो हमने खाते है खा लेना चबा लेना फेंक देना बाद में। A few moments later. ये हमारा पान भी खाना हो गया उसे पान हम ज्यादातर खाते है नहीं और सब लोग खा रहे थे तो हम भी सोचे चलो खा लेते हैं आवाज भी बड़ा अलग निकल रहा होगा। 20 minutes later. तो अब चल रहे हैं जी यहाँ से सीधा घर इसके बाद फिर हम लोग आएंगे अब सीधा रिसेप्शन में एक दिन बाद ही रिसेप्शन है और वहाँ होगा कटिहार में ही हमारे घर से नजदीक है तो वहाँ अटेंड करेंगे और इंतजार कर रहे हैं अपने दोस्त सूरज का गाड़ी लगा कहाँ पर है बोल तो रहा था बगल में लगा कर रखा है। शादी अटेंड करके हम आ गए जी घर और जैसे ही घर आए तो देख रहे क्रियांश अभी तक सोया नहीं है। हेलो ये पापा को देख रहा है पापा मेरे बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा हाँ पापा मुझे मिले भी नहीं चले गए अभी पापा को देख रहा है गोदी जाएगा गोदी।